कौमी एकता कमेटी उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशफाक हुसैन मैकरानी ने मंगलवार को गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता के माध्यम से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अनुसूचित विभाग के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर राज कमल के समक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अपना समर्थन दिया। इस दौरान जयंत पाठक, आशुतोष पांडे, अशोक यादव, तौकीर आलम, डॉक्टर संजय कुमार, आफ्ताब सहित दोनों पार्टियों के अन्य सदस्य मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अनुसूचित विभाग के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर राज कमल और कौमी एकता कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशफाक हुसैन मैकरानी ने कहा, रमजान के पावन पर्व पे और ये हमारी कौमी एकता के अध्यक्ष अशफाक साहब जो है, ये उनको उत्तर प्रदेश और जहाँ भी उनके सदस्य हैं वो सारा कांग्रेस पार्टी को बिना शर्त समर्थन दे रहे हैं। हमारी पार्टी ये नहीं बल्कि कंट्री को मजबूत करने के लिए ये इनका सांस्कृतिक है प्रेशर ग्रुप जो कल्चर से रिलेटेड है और ये एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट इस पर ये काम करते हैं और ये अपनी कौम को ऊपर उठाते हैं, अपलिफ्टमेंट करते हैं, एजुकेशन उनको देते हैं एंड आज इन्होंने हमारी पार्टी के लिए जो है समर्थन दिया है और हमारे जो प्रत्याशी हैं गोरखपुर के उनका ये पूरा समर्थन कर रहे हैं। इनके जितने भी गोरखपुर में इनके सदस्य हैं और ना केवल गोरखपुर में बल्कि पूरे प्रदेश में इनके जितने भी मेंबर हैं हजारों लाखों की संख्या में वो कांग्रेस पार्टी को समर्थन दे रहे हैं। मेरा नाम अशफाक हुसैन मेकरानी है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कौमी एकता कमेटी का। एक हमारा सामाजिक संगठन है कौमी एकता कमेटी जो पूरे उत्तर प्रदेश में है। हम सभी अपने कमेटी के मेंबरों सदस्यों की एक बैठक किया, सामूहिक बैठक में ये निर्णय लिया गया कि देश की एकता अखंडता कायम रखना हो तो पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी को ही समर्थन जाना चाहिए क्योंकि देश का भविष्य कांग्रेस में ही उज्ज्वल हो सकता है। अमन भाईचारा जो संदेश कांग्रेस सदियों से देती चली आई, जब से देश की आज़ादी हुई सर्वधर्म के लोग यहाँ मिलकर होली, ईद, दशहरा सब एक साथ मनाते थे। इन सभी चीज़ों को देखते हुए हमारा सामाजिक संगठन आज राजनैतिक संगठन को मजबूरी बन समर्थन कर रहा है ताकि देश की एकता अखंडता कायम रहे।